ओम नारायण। आज हम ब्लॉक असोहा के ग्राम पंचायत सरसाहा खेड़ा में उपस्थित होकर के आज किसान पंचायत की मासिक बैठक में पहुंच करके हम लोगों से संपर्क साध रहे हैं। सबसे पहले हम उपस्थित और संपर्क साध रहे हैं जिला अध्यक्ष माननीय सुशील शुक्ला जी से। नमस्कार। आज हम आपकी देखिए, ये भारतीय किसान यूनियन लोकशक्ति जो हमारा संगठन है, इसमें हम हर महीने की 2 तारीख को अपने जिले के तहसील के ब्लॉक के सभी पदाधिकारी को गणों को महिला पुरुषों को बुला करके कार्यों की समीक्षा करते हैं, संगठन का विस्तार कितना हुआ उसकी समीक्षा करते हैं और नए पदाधिकारियों की नियुक्ति होती है। जिन किसान कार्यकर्ताओं के माताओं के बहनों के कार्य तहसील स्तर पर SDM थाना स्तर पे जिला स्तर पे उनके कार्य नहीं होते हैं उनकी समीक्षा की जाती है इस बैठक में। जैसा कि आपकी किसान पंचायत अभी पिछले काफ़ी समय से दिल्ली के नज़दीक बॉर्डर पर चल रही थी, उस बैठक को लेकर के आप लोगों ने क्या चर्चा की? देखिए, उस बैठक के लेकर के जब हमारी किसान पंचायत जो दिल्ली पे चल रही थी उसमें हमारे 40 संगठन 40 राष्ट्रीय अध्यक्ष संयुक्त मोर्चा बना करके एक आंदोलन था 3 कृषि कानूनों को लेकर के। उसमें सरकार ने जैसी भी विडंबना दिखाई, हमारे किसान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष देश का किसान कई राज्यों के किसान अड़े रहे और कृषि कानून वापस हुए, हम लोग अपने अपने घर आ गए। ऐसी स्थिति में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आपके काले कानूनों को वापस लिया, ऐसे प्रधानमंत्री को आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं वो प्रधानमंत्री जी एक हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी को जो निर्णय 380 दिनों में लिया है वो उसी समय निर्णय लेना चाहिए था जिससे हमारे 750 किसान शहीद जो हुए हैं उनके घर बेघर न होते, और वही उनको करना पड़ा 380 दिन बाद। जो उनको वो निर्णय तभी ले लेना चाहिए था जब सुप्रीम कोर्ट ने भी चेताया था कि किसानों के मामले को संज्ञान लिया जाए। मैं युवा तक भारत ओम नारायण से, धन्यवाद।